हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। इस समय में गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन का एक नोटिफिकेशन है, वो डिस्कस करने यहाँ पे आया हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स बीटेक के हैं या जितने भी स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे हैं, आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं उसमें जा करके काम कर सकें, उसमें जा करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर सकें। तो जैसा कि मैंने बताया कि गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दी जा रही है, एमएससी और बीटेक के स्टूडेंट्स को। अभी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। ये जो गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंडर में आता है और ये रेगुलरली इस तरीके के प्रोग्राम्स को करवाता रहता है। तो आज की बात ही नहीं है, मैं आपको आगे के लिए भी बोल रहा हूँ कि आपको रेगुलरली इनकी वेबसाइट को चेक करते रहना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स बायोटेक्नोलॉजी कैंडिडेट्स के लिए आते रहते हैं, तो बहुत यूज़फुल होगा। खैर, आज के बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ समर इंटर्नशिप इन बायोटेक इंडस्ट्रीज। तो ये पोस्टर है, आप सोच रहे होंगे कि सर जो है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर क्यों नहीं जा रहे। मैं कई दिन से कंटिन्यूस प्रयास कर रहा हूँ इनकी वेबसाइट को एक्सेस करने का, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और लगातार द साइट कैंट बी रीच्ड का ऑप्शन आ रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, वैसे ही कंटिन्यूसली ये इस तरीके से पेज लोड होने की कोशिश कर रहा है और पेज ओपन नहीं हो पा रहा। पता नहीं मुझे कि ये मेरे एंड में प्रॉब्लम है कि ये इनकी वेबसाइट के ऊपर ही प्रॉब्लम है। खैर, आप अपने एंड पे चेक कर लीजिएगा, अगर आपके एंड पे खुल जा रहा है तो आपको ये पोस्टर वहाँ पे मिल जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इन केस अगर आपके एंड पे ये वेबसाइट खुल जा रही है तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, मेरे एंड पे ये खुल नहीं रही, कंटिन्यूसली पेज ओपन होने की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज ओपन होने की कोशिश कर रहा है और धीमे धीमे ये साइट कैंट भी रीच पहुँच जाता है। एनीवेज, तो मैं आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा कि ये है क्या ये पूरा प्रोसेस। अब देखिए, यहाँ पे एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और बीटेक सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरियाज। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ही अप्लाई करेंगे। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम, जितने भी अलाइड एरियाज हैं उन सभी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जनरली बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में इस तरीके की अपॉर्चुनिटी कमी मिलती है कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सके, लेकिन अगर मिल रहा है तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे। इसकी अगर लास्ट डेट की बात करूँ तो 20 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है। आप चाहते हैं कि इसको स्कैन करके, मतलब आप इसका फॉर्म वगैरह फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको स्कैन कर सकते हैं। ये जो बार कोड दिया हुआ है, मैंने इसको स्कैन ऑलरेडी किया हुआ है और इसका जो लिंक है वो मेरे पास है। मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको फॉर्म जा करके ज़रूर फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे पास लिंक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ओपन कर देता हूँ इसको। ये है लिंक इसका। अब देखिए, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो GSBTM समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर से देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमएससी के फर्स्ट ईयर के और सिक्स सेमेस्टर, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रहे, एमएससी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और बीटेक के सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं। अब वापस आइए, अगर आपने इनकरेक्ट फाइल अपलोड कर दी तो फिर इज ड्यूटी ऑफ द कैंडिडेट टू ब्रिंग नोटिस रिगार्डिंग द सेम। अगर आपने इनकरेक्ट फाइल अपलोड की तो आपको इनको बताना पड़ेगा। ऑफिस रिजर्व द राइट टू आस्क द कैंडिडेट टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द ऑफिस और कैंसिल द कैंडिडेचर इफ इट इज़ नॉट सबमिटेड टू द ऑफिस विद इन अलॉटेड टाइम। लास्ट डेट जैसा मैंने बताया कि 20 मई है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, जेंडर, कैटेगरी, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, नेम ऑफ ऑनगोइंग कोर्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इतने सारे लोग देखिए एलिजिबल हैं। तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी न्यूरोसाइंस, एमएससी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी होगा, एमएससी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस। तो देख सकते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। बीटेक को बायोटेक्नोलॉजी मुझे लग रहा है अलाउ कर रखा है और एमएससी में तो बहुत सारी चीज़ें अलाउ कर रखी हैं। अब एक चीज़ और है कि तो ईयर ऑफ एनरोलमेंट ऑफ एमएससी, एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता था कि देखिए, आप इसमें और अपने मन से कुछ भी नहीं भर सकते, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है वही भरना होगा। इसके अलावा गुजरात में इंस्टीट्यूट है या बाहर है गुजरात का, मुझे नहीं पता कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, केवल गुजरात के स्टूडेंट्स को ही कंसिडर करते हैं या बाहर के। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ गुजरात के ही कंसिडर करते होंगे, हालांकि आई बिलीव कि कुछ ना कुछ रेशियो ज़रूर फॉलो किया जाता होगा। आपका नाम इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का, आपको मार्कशीट, लास्ट जो मार्कशीट ऑप्टेन हुई है,
वाई वुड यू लाइक टू ज्वाइन द ट्रेनिंग? अब देखिए बेसिकली ये 100 शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है और सिलेक्शन जो है वो इसी बेसिस पे हो जाएगा। ईयर ऑफ एनरोलमेंट क्या था आपका एमएससी में, कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, उसके बाद बस आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर सेलेक्ट होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये GSBTM की सारी की सारी डिटेल्स होगी। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, अगर ओपन होने लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। प्लीज़ हमें बाकी स्टूडेंट्स तक रीच करने में भी मदद कीजिएगा, ताकि हम बाकी अपनी बात भी और लोगों तक पहुंचा सकें और स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। इसके लिए बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके उसको शेयर करना होगा अपने फ्रेंड्स तक। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।